आज का शायर मुनव्वर राना बनकर यह भी कहने लग गया है कि मेरे दिल पर है हक किसका, हुकूमत कौन करता है, मेरे दिल पर है हक किसका, हुकूमत कौन करता है, इबादत गाह है किसकी, इबादत कौन करता है। और अगले मिसरे पर आपके हाथ खुले कि मेरे दिल पर है हक किसका, हुकूमत कौन करता है, इबादत गाह है किसकी, इबादत कौन करता है। और यहां से रेल की पटरी बहुत नजदीक है राना, चलो ये फैसला कर ले मोहब्बत कौन करता है, चलो चलो ये फैसला कर ले मोहब्बत कौन करता है। आज का शायर यकीनन इस अंदाज में आपके सामने रूबरू होता है, आपके सामने इस तरह की शायरी वो करता है। और मैं चाहता ये हूं कि इस लहजे की तर्जुमानी करने वाले जनाबे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के साहबजादे सतलज राहत साहब से मैं गुजारिश करूं कि वो आएं और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। दोस्तों बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे इस प्यारे शायर के लिए आपकी ये तालियां एक बार आगे से पीछे तक जोरदार आ जाएंगी तो यकीनन इस मुशायरे को एक हौसला मिलेगा, हमारे इस शायर को एक हौसला मिलेगा। जनाबे सतलज राहत साहब। दोस्तों हालांकि ये मुशायरा 6 बजे शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन 8:45 बजे तक अभी तक मुकम्मल तरीके से शुरू नहीं हो पाया है। वैसे भी जब प्यासे जब भी पानी पानी करते हैं दरिया वाले आनाकानी करते हैं। क्या कहने भाई, वाह। दोस्तों बहुत तवील फहरिस्त है शायरों की, मैं 4-5-7 शेर आपको सुनाऊँगा लेकिन आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से सुन लीजिएगा। सलाम इंडिया के लोगों को मुबारकबाद इतने अच्छे मुशायरे के लिए, और मोहतरमा समीरा अजीज़ को भी मुबारकबाद कि उनकी किताब कागज़ की ज़मीन का इजरा यहाँ मोहब्बतों की सरजमीन पे होने वाला है। मैं 5-7-8 शेर सुनाऊंगा, आप लोग शिरकत कीजिएगा। जी भाई सतलज भाई पढ़ें, आप इत्मीनान से पढ़ें, सब सुनने के लिए बैठे हुए हैं। एक बार आप महसूस कराइए सतलज भाई को। बहुत बहुत शुक्रिया। हाकिम वक्त को खिलाफ करो। क्या कहने, हाकिम वक्त को खिलाफ करो, झूठ और सच का इंकशाफ करो। क्या कहने भाई, वाह। हाकिम वक्त को खिलाफ करो, झूठ और सच का इंकशाफ करो। वाह। जिसने फैलाए खून के धब्बे अब ये कहता है मुल्क साफ करो। क्या कहने भाई, जिसने फैलाए खून के धब्बे। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया भाई। अब ये कहता है मुल्क साफ करो। दोस्तों पहला शायर हूँ, आप थोड़ा सा हौसला देंगे तो मैं अच्छे अच्छे शेर आपको सुनाऊंगा, अगर आप अच्छी ताली बजाएंगे तो और बेहतर सुनाता जाऊंगा मैं। देखिएगा, सुनिएगा वसीम भाई, सुनिएगा बोकी, सुनना। दोनों माइक को छेड़िए मत। और अब इसका जिक्र भी सच्चाइयों में आता है। क्या कहने भाई, वाह। अब इसका जिक्र भी सच्चाइयों में आता है। मेरा दुश्मन भी मेरे भाइयों में आता है। क्या कहने भाई, वाह। इसका जिक्र भी सच्चाइयों में आता है, मेरा दुश्मन भी मेरे भाइयों में आता है। शिकार होते हैं दंगाइयों का हम, लेकिन क्या कहने भाई, हमारा नाम ही दंगाइयों में आता है। क्या कहने भाई, वाह। शिकार होते हैं दंगाइयों। बहुत अच्छे सतलज भाई, भाई जिंदाबाद, क्या कहने। शिकार होते हैं दंगाइयों का हम, लेकिन हमारा नाम ही दंगाइयों में आता है। दोस्तों एक मतलब आसिफ साहब तशरीफ। दोस्तों हमारे बीच हमारे मेहमानान जनाबे आसिफ सिद्दीकी साहब और उनके साथी तशरीफ लाए, हम मुशायरा कमेटी की तरफ से उनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। जनाबे आसिफ सिद्दीकी साहब हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं, हम सलाम इंडिया परिवार की तरफ से उनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आसिफ सिद्दीकी साहब इसको बोलो माइक वाले एक बार क्यों छेड़ रहे हो, इसको बढ़िया एक बार एस्टेब्लिश करो और तेज करो बढ़िया साउंड, इसको भी इसको आवाज बढ़ाओ। जनाबे आसिफ सिद्दीकी साहब एक्स पार्लियामेंट कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के रह चुके हैं, सामाजिक कारकुन, यकीनन बहुत ही
प्यारी शख्सियत, हम उनका सलाम इंडिया परिवार की तरफ से इस आलमी मुशायरे में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, जनाबे सतलज राहत साहब माइक पर एक बार आप तालियां बजाकर इजाजत दीजिए ताकि वो अशार से हमें नवाज सके। बहुत बहुत शुक्रिया सतलज भाई। शहजादा कलीम साहब ने भी उससे पहले भी जो निजामत करे थे उन साहब ने भी बार बार जिक्र किया कि राहत साहब के लड़के हैं, उनके फर्जंद हैं, उनकी विरासत मुझे मिली है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन इस हिंदुस्तान में आज की तारीख में विरासत से कुछ नहीं होता है, ना अभिषेक बच्चन का कुछ हो पाया, ना तुषार कपूर का। क्या कहने विरासत से कुछ नहीं होता है, मेहनत से होता है, दुआओं से होता है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपकी दुआएं मिल जाएं और एक बार आप मुशायरे को मुशायरा बना दे तो मैं भी दिल खोल के सुना दूं। बहुत लंबी फहरिस्त है, एक मतलब मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें मैंने दो पॉलिटिकल लोगों के नाम का इस्तेमाल किया है, लेकिन शायरी की देखिएगा, ये थोड़ी सी गहमा गहमी अगर थोड़ी कम हो जाए तो मैं सुनिएगा दोस्तों, एक मतलब और सुनिएगा। शहजाद जी भाई, जी सतलज भाई पढ़े आप, सुनिएगा दोस्तों तवज्जो से। तेरे तेरे सब मोदियों पे भारी हूं। आहा, क्या कहने भाई। तेरे सब मोदियों पे भारी हूं, वाह। मैं गजल का अटल बिहारी हूं। अरे भाई वाह वाह वाह, तेरे सब मोदी। क्या कहने सतलज भाई, भाई जिंदाबाद। मैं गजल का अटल बिहारी हूं। एक मतला और दो शेर सुनिएगा दोस्तों। एक चुनाव ने आपको काफी परेशान किया, मैं एक मतला सुनाता हूं, अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा इरशाद जी, जी इरशाद आसिफ भाई सुनिएगा। जी सतलज भाई। नतीजा सोच से बढ़कर निकालना होगा। हाँ, क्या कहने। नतीजा सोच से बढ़कर निकालना होगा, सोच से बढ़कर निकालना होगा। सबसे पहले तो हमें डर निकालना होगा। क्या कहने। नतीजा सोच से बढ़कर निकालना होगा। सबसे पहले तो हम बोकी फोन रख दे। सबसे पहले तो हमें डर निकालना होगा। सड़क पे आ गई नफरत की कई सेनाएं। सड़क पे आ गई नफरत की कई सेनाएं। हमें भी प्यार का लश्कर निकालना होगा। क्या कहने भाई। सड़क पे आ गई नफरत की कई सेनाएं। भाई जिंदाबाद, क्या कहने। हमें भी प्यार का लश्कर निकालना होगा। और अपना अपना घर छोड़ के मैं तो निकल नहीं सकता। अपना घर छोड़ के मैं तो निकल नहीं सकता। उसको नक्शे से मेरा घर निकालना होगा। क्या कहने भाई, वाह। सतलज भाई आई और बढ़िया। दोस्तों सतलज भाई को अभी आप सुनना चाहते हैं ना, अगर सुनना चाहते तो एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए। सतलज राहत साहब फिर से हमारे बीच माइक पर, हमारे बीच हमारे मेहमान जनाबे आदिल शेख साहब और कमर भाई तशरीफ लाए, हम उनका मुशायरा कमेटी की तरफ से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। माइक पर जनाबे सतलज राहत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद कलीम साहब। दोस्तों आपने एहसास दिया है तो मुझे लगा कि आप सुन रहे हैं, वरना आपका रिस्पांस जो है वो इस तरह का नहीं कि कोई शायर ज्यादा वक्त इस माइक को दे पाए। बहरहाल मैं कुछ शेरों सुनाता हूँ नौजवानों का। सतलज भाई एक बात मैं बता दूं, ये मुंबई के लोग हैं, ये अभी आप देखिएगा कि आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो ये कितनी तालियां और कितनी दादो तहसीन से आपको नवाजेंगे। मैं आप मेरी बात से इत्तफाक रखते हैं ना, तो एक बार आप बजाइए, एक बार तालियां बजाकर आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई के लोग हैं, मेरी जो हालत है उसके लिए एक मतलब सुनाता हूं मैं आपको, देखिएगा। जी भाई, ये माइक शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये माइक वाले भैया से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक बार माइक को आप सेट कर दीजिए, क्योंकि ये बार बार की आपकी सेटिंग जो है किसी भी चीज को खराब कर सकती है। सेटिंग ठीक कीजिए साहब। देखिएगा एक मतला सुनाता हूं मैं, आपने बंबई के लोगों का जिक्र किया। होश में रह के खुमारी की तरह गुजरी है। हाँ, क्या कहने। होश में रह के खुमारी की तरह गुजरी है। खुमारी की तरह गुजरी है मेरी मुंबई में बिहारी की तरह गुजरी है। क्या कहने भाई। होश में रह के खुमारी की दांत देने में डरिए मत, आप खुल के दांत दे सकते हैं दोस्तों, थोड़ा हौसला दीजिए मुझे, मैं कुछ शेर आपको सुनाऊं, देखिएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा, एक मतला और दो शेर सुनिएगा, नौजवान लोग काफी मौजूद है उनके लिए खास तौर पे। ख्वाब बोए थे हिजर काटा है, ख्वाब बोए थे हिजर काटा है, इस मोहब्बत में खूब घाटा है। क्या कहने भाई, वाह। ख्वाब बोए थे हिजर काटा है, इस मोहब्बत में खूब घाटा है। कोई और आ रहा है साहब, बिसा तो नहीं, रुकना पड़ेगा। सतलज भाई आप पढ़े। ख्वाब बोए थे हिजर काटा है, इस मोहब्बत में खूब घाटा है। दोस्तों मैं एक शेर सुनाता हूँ, इधर तवज्जो दीजिए, जो आएंगे वो स्टेज पे पहुंचेंगे। दोस्तों इधर एक शेर सुन लीजिए, एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, इसे आप हमद का समझिए, नात का समझिए, मनकबत का समझिए, लेकिन इस अहद की लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल की, देखिएगा। ख्वाब बोए थे हिजर काटा है, इस मोहब्बत में खूब घाटा है। क्या कहने भाई, जहन का वायरस है ये दुनिया, दिल की चिप में तुम्हारा डाटा है। क्या कहने भाई, जहन का वायरस, क्या कहने भाई, वाह वाह। जहन का वायरस है ये दुनिया, दिल की चिप में तुम्हारा डाटा है। दोस्तों एक मतलब और दो शेर आखिरी में सुना रहा हूं, देखिएगा कि तबीयत में उबाल आया हुआ है। सुनिएगा शहजाद अलीम साहब जी, इरशाद। तबीयत में उबाल आया हुआ है, मुझे तेरा ख्याल आया हुआ है। आहा, क्या कहने भाई, तबीयत में उबाल आया हुआ है, मुझे तेरा ख्याल आया, मुझे तेरा ख्याल आया हुआ है। दोस्तों हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया पे नजर रखिएगा, जो बड़े ओहदों पर है उन पर नजर रखिएगा। फिर मेरा ये मिसरा सुनिएगा, मिसरा ही तमीद है। तबीयत में उबाल आया हुआ है, मुझे तेरा ख्याल आया हुआ है, जो फर्जी है वही मसनद नशी है, जो फर्जी है वही मसनद नशी है, बुलंदी पर जवाल आया हुआ है। क्या कहने भाई, जो फर्जी है वही मसनद नशी है, बुलंदी पर जवाल आया हुआ है, और मेरे बस में है बस जी होश रहना, मेरे बस में है बस जी होश रहना, मलंगों पर तो हाल आया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये थे जनाबे सतलज राहत साहब, जो अपने कलाम से हम सबको नवाज रहे थे। आप सब ने यकीनन बहुत ही दादो तहसीन से उन्हें नवाजा, मैं आप सबका मशकूर ममनून हूँ।